आज हम ग्राम खरेमास में आए हुए हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान मोहम्मद शाकिर अहमद से हम करेंगे सीधी बात। प्रधान जी, आपके लिए एक सवाल है कि ये कोरोना से लड़ने के लिए क्या उपाय है अपनाया है अपने गांव में? सबसे पहले मैं पत्रकार साहब आपको बता देना चाहता हूँ, कोरोना से लड़ने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश लॉकडाउन की शक्ल में किया है, उससे बड़ा सुझाव तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उनकी मैं सोच को सलाम करता हूं, और मैं उस सिलसिले में सबसे पहला काम मेरा था कि मैं अपने गांव की साफ सफाई करवाया। अपने गांव में मच्छरों की छिड़काव के लिए पूरा गांव उसको मच्छर मारने की दवा का छिड़काव करवाया, फॉगिंग मशीन से पूरे गांव को धुआं करवाया, और लगातार सफाई चल रही है, आगे भी जो है सफाई होती रहेगी, छिड़काव होता रहेगा। एक चीज, अच्छा, कोरोना महामारी के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को तो सबसे पहला मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता से ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से मैं घर घर जाके लोगों को जागरूक किया हूं कि भाई देखिए, हमारा देश सुरक्षित रखने के लिए, हमारे अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो लॉकडाउन की शक्ल में घरों में रहने की इजाजत दी गई है, मैं लोगों से यही सुझाव देना चाहता हूं कि वो अपने घरों में रहें और अपने घर को सुरक्षित रखें। बहुत जरूरत की चीजों को के लिए जो है घर से बाहर निकलें। लॉकडाउन के समय गरीब और असहाय लोगों की आप कैसे मदद कर रहे हैं? लॉकडाउन के समय गरीब असहाय लोगों की मदद का सबसे पहला सिलसिला जो सरकारी डीएम साहब के दिशा निर्देशों के हिसाब से जो राशन कार्ड वितरण होता था, राशन कार्ड के जरिए जो गल्ला सप्लाई किया गया है लोगों का, वो दिलाया गया। जिनका फ्री था फ्री दिलाया गया, जिनका पैसे यूनिट से था उनको यूनिट से दिलाया गया। कोशिश ये थी कि किसी को कोई छूटने ना पाए, और कुछ सरकारी स्कीमें आई जिनके पास कोई योजना का लाभ जो गांव में नहीं पाया था, ना खेती थी ना कुछ था, उनको सरकार ने हमसे डिटेल मांगा था तो हमने उनको दिया। कुछ खातों में पैसा 1000 रुपये की शक्ल में आया, वो दिलाया गया। फिर कुछ लोगों का नाम गया था कि उनको राशन मुहैया कराया जाएगा, तो राशन भी मुहैया सरकार ने कराया है, उसको दिलाया गया। और एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे इस्लाम मजहब में ये साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर किसी की मदद करना है तो दाहिने हाथ से दिया जाए और बाएं हाथ को पता ना चलना चाहिए। तो मैंने उसी का अपने इस्लाम के मजहब को, अपने धर्म को मानते हुए लोगों की जो भी मदद किया है मैंने, वो मैं किसी से बयान नहीं कर सकता, और जहां तक हो सका मुझको, मैं गांव गांव की मदद करता हूं और करता रहूंगा। और एक चीज और आपसे इस मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहता हूं अपने गांव के लोगों को, मैंने पहले से कुछ लोगों से कहा है कि अगर दवा के लिए या खाने के लिए आपको कोई कहीं समस्या हो रही है, मेरी तरफ से मेरा दरवाजा खुला है, जो भी बंदा आना चाहता है, गरीब हो या इस तरह जिसके पास इस वक्त कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, वो चाहे उधार की शक्ल में चाहे मदद की शक्ल में मुझसे ले सकता है। 4 महीना 6 महीना के बाद जो है 1000-2000 जितनी मेरी क्षमता है उस हिसाब से मैं लोगों को दिया भी हूं और देना भी चाहता हूं, ताकि उनकी वक्त की जरूरत सामने आगे, अभी क्या कंडीशन है 14 तारीख के बाद की कि लॉकडाउन की क्या पोजीशन आएगी, अभी जिस तरह से मुख्यमंत्रियों का कॉन्फ्रेंस हुई है, लोगों को जिताया गया था, उस सुझाव से लग रहा है कि आगे बढ़ेगी। अगर बढ़ता है तो फिर मैं गांव वालों को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर चोरी छुपा धीरे से मुझसे मिल सकता है, मेरा नंबर सबके पास है, वो मिल सकता है, मुझसे मदद ले सकता है, चाहे वो जिनको मैं समझूंगा कि हाँ वाकई गरीब हैं, तो वो उसको तो मैं पैसा लेने की बात ही नहीं करूंगा। जो ऐसे लोग हैं जो किसी से पैसा नहीं लेना चाहते लेकिन आज परेशान है, उसको पैसा कहीं से नहीं मिलना है, तो मैं ये संदेश अपने गांव के लोगों को देना चाहता हूं कि वो मुझसे धीरे से आके 1000 से 2000 1500 500 जो लेना चाहते हैं, ताकि आगे रमजान भी है, रमजान की सारी जरूरतों पूरी करते समय मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए भी मैं मदद करूंगा। मेरी तरफ से ये स्कीम गांव के लिए है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।